स्वागत है नमस्ते आदाब से काल में आ हूं सी संकल्प कांशिया स्वागत है आपका इस सेशन में सो so, अब आज थ्योरी की बारी है थर्टी मिनट्स इज व्हाट आई वांट फॉर यू वन शॉट रिवीजन में पूरा ये चैप्टर हो जाएगा एंड फाइव मार्क्स के लिए आ सकता है आई फील एमसीक्यू के लिए आ सकता है एंड लेट्स डू इट प्रॉपर्ली स्पेशली इसमें जो कीवर्ड्स है वो अपने को ढंग से करने हैं मैं आप लोगों को याद करवाने की कोशिश कर दूंगा साथ साथ में सो so डस्टेड हो जाए बाकी इसके अलावा जितने भी थियोरी चैप्टर्स है सारे के सारे आपको मेरे यूट्यूब पे मिल ही जाएंगे एंड ऑब्वियसली बड़े चैप्टर्स है everything is what you will get. Please, ये का आप लोग प्रॉपरली यूटिलाइज करना आई है

सारे थियोरी के रिविजन लेक्चर में डाल दूंगा दैट इज फॉर श्योर तो चलो यार आ, लेट लेट द गेम बिगिन फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट देखो चैप्टर का नाम समझने की कोशिश करेंगे अपन सबसे पहले चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी ध्यान में रखना देखो कोई भी कंपनी का फाइनेंशियल पॉलिसी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि भाई उसको कैपिटल कहां से रेस करना है तो एक कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया कौन सा कैपिटल रेस करना है तो उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे लेगा जैसे कि कैपिटल बजटिंग फिर बाद में डिविडेंड देना होता है तो डिविडेंड डिसीजन एंड एंड ऑफ द डे यू हैव टू मेक अ प्रॉपर पोर्टफोलियो फॉर योर कंपनी सो ये हो गया पोर्टफोलियो डिसीजन ये एक जनरल आप लोग के साथ डिस्कशन कर रहा हूं एक ओवरव्यू ध्यान में रखो बिकॉज यू विल बी यूजिंग दीज टर्म्स इन दी चैप्टर अ लॉट ऑफ टाइम्स एंड दूसरा हो गया कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी कॉर्पोरेट लेवल पे देखो तीन तरह से कोई भी ट uh, डिवाइडेड होता है एक होता है टॉप लेवल जिसका काम होता है स्ट्रेटेजी बनाना एंड लेना फिर होता है मिडिल लेवल लेवल एंड लोअर जिनका काम होता है कि वो जो भी टॉप लेवल ने स्ट्रेटेजी बनाया है उसको प्रॉपरली कैसे एग्जीक्यूट करना है सो so, ये एक जनरल आइडिया है अब अपन लोग इसको डिटेलिंग में पढ़ते हैं टेकिंग एवरी एवरी पॉइंट इन द स्ट्रक्चर तो मेरा सबसे पहला पॉइंट है एडवांस रोल ऑफ सी एफ ओ एन जैसा आप लोग यहाँ पे देखोगे दिस इज अडिशन अब ये चैप्टर को ध्यान में रखने के लिए मैंने ना आप लोगों के साथ एक थोड़ा थोड़ा नोट्स लिखते जाऊंगा एट द सेम टाइम मॉड्यूल भी मैंने ओपन रखा है ताकि आप लोगों को क्लैरिटी रहे दैट यस ये ये चीजें अपनी होती जा रही है अब एडवांस रोल ऑफ सीईओ या सीएफओ आफ्टर पैंडेमिक हैज अ लॉट एंड उनका डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ा दिया गया है अब हमारा जो सीएफओ है उसको क्या क्या ध्यान में रखना है तो रोल एक्सपांडेड पोस्ट का काम होता था चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी खाली फाइनेंस में जुड़े रहना अब फाइनेंस इज ऑल्सो कनेक्टेड विद स्ट्रैटेजी एंड ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस सो यहाँ पे उसका रोल एक्सपांड कर दिया है क्या क्या है पता है वो सब चीजें है जो आपके चैप्टर्स है जैसे की मर्जर एंड एक्विजीशन कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग क्या ये आपका एक चैप्टर है आंसर इज येस ईएसजी फाइनेंसिंग क्या आप लोगों को ऑडिट में एक चैप्टर है एनवायरमेंट सोशल बस उसी काफ सी एफ ओ पोस्ट पैंडेमिक बढ़ गया है क्या बढ़ गया है? उसमें उसका स्ट्रैटेजिक एंड ऑपरेशनल डिसीजन मेकिंग का रोल आ गया है एट द सेम टाइम जो चार चीजें ध्यान में रखनी है वो चैप्टर्स के नाम है रिस्क मैनेजमेंट मर्जर्स एक्विजिशन एंड कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग ई एस जी फाइनेंसिंग है एनवायरमेंट सोशल गवर्नेंस एंड लास्ट है मेरा सप्लाई चेन एंड अगर आप लोग अपना मॉड्यूल देखोगे तो आप लोगों को ये चारों चीजें यहां पे दिखेगी सर अंदर की चीजें अपने हिसाब से लिख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे भी ध्यान में नहीं रहने वाली है एंड इट इज एंड ऑफ द डे वही सेम, सेम वर्ड्स को यूज किया है हैज टू टेक केयर ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट

मर्जर्स एंड एक्विजिशन एनवायरमेंट सोशल गवर्नेंस का फाइनेंसिंग एंड चौथा है सप्लाई चेन ध्यान में रखने का स्ट्रैटेजी एंड ऑपरेशनल डिसीजन मेकिंग में भी अब देखो देखते ही देखते यह पूरा का पूरा पूरा का पूरा आंसर अपने को याद हो गया बस अभी ऐसे ही करते जाना है गोए एंड वी विल बी एबल टू मैनेज ऑल द क्वेश्चन सेकंड चैप्ट का क्वेश्चन के ऊपर आता है तो यहां पे उसने बोला है कि बॉस मेरा जो बिजनेस है उसमें तीन मेजर चीजें होती है एक होता है कि मैं क्या स्ट्रैटेजी बना रहा हूं मेरे बिजनेस के लिए दूसरा वो स्ट्रैटेजी को फाइनेंस करना पड़ेगा फाइनेंस करने के बाद चीजों को मैनेज भी करना पड़ेगा जिसको प्यार से फंडामेंटल ऑफ बिजनेस भी कहा गया है यहां पे देखो अगर ये तीनों चीजें साथ में क्लिक होती है ना then the combination is superb. So इससे होगा क्या पता है क्या Investors will maximize their wealth. End of the day, investors को चाहिए wealth maximization. Company को ensure करना है कि वो minimum cost के साथ इस चीज को करे ये दोनों का combination अगर properly manage कर लिया you will get the strategy that you are looking for. So investors want to maximize their wealth.

Financial opportunities अपनी प्रॉपरली एक्सप्लॉइड हो जाए एंड स्ट्रैटेजी फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का प्रॉपर कॉम्बिनेशन विल गिव अस दिजनेस क्या है आप लोग का आई होप सेकेंड वाला भी ध्यान में आ हो गया होगा याद हो गया होगा थर्ड प्रोसेस ऑफ स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग फर्स्ट इन्वेस्टर्स का काम यही है कि वो इन्वेस्ट करेगा

इन्वेस्टर ने फंड दे दिया है अब चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एंड जो भी कंपनी के सी एफ है उनका काम है दैट द फंड शुड बी यूज इन द प्रॉपर मैनर और क्या प्लानिंग होना चाहिए इट शुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री थिंग्स क्लियर एंड रियलिस्टिक स्ट्रैटेजी फाइनेंशियल रिसोर्सेज कंट्रोल एंड सिस्टम शुड बी इन प्लेस एंड मैनेजमेंट टीम एंड प्रोसेस शुड ऑल्सो बी टेकन केयर ऑफ तो ये तीनों चीज अपने को ध्यान में रखनी है डिसीजन ये देखो आपको बुक में भी यही सेम चीज मैं दिखाता हूं कहां पे लिखा है सीयर अ क्लियर एंड रियलिस्टिक स्ट्रेटेजी होना चाहिए आपका फाइनेंशियल रिसोर्सेज कंट्रोल्स एंड सिस्टम्स शुड बी प्रॉपरली प्लेस्ड राइट मैनेजमेंट टीम टू मेक इट हैपन एंड जो भी अपन लोग ने पढ़ा स्ट्रेटेजी प्लस फाइनेंस प्लस मैनेजमेंट इज इक्वल टू फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस तो ये जो मेरा शीट है ना इसको बराबर से अगर कर लिया ना सेट है फिर बाद में आपको और कुछ करने की बराबर और कुछ करने की जरूरत नहीं है दो तीन बार लेक्चर सुन लो दो तीन बार गो थ्रू कर लो जो मेरे पास यहाँ पे ये यह जो नोट्स है डन ठीक है सो प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग में इन्वेस्टर्स आएगा मैक्सिमाइज रिटर्न करने के लिए वो अपना इन्वेस्टमेंट दे देगा सामने इट इज नाउ सी एफ ओ जो है सीईओ जो है ही हैज टू एंश्योर दैट फंड्स आर बीइंग इन अ प्रॉपर मैनर एंड एक बार वो कर दिया तो मेरा जो स्ट्रेटजी है दैट शुड बी बेस्ड ऑन थ्री थिंग्स क्लियर एंड रियलिस्टिक स्ट्रेटजी होना चाहिए

मेन कीवर्ड्स याद रखेंगे तो याद हो जाएगा बस वही तुम लोग के लिए करवा रहा हूं मैंने तो कीवर्ड्स मेरे नोट्स में लिखवाया है फिर भी आप लोग के साथ लिख रहा हूं प्लीज आप लोग भी ये करो इट विल बी बेटर सो इट विल बी मैक्सिमाइज वेल्थ मिनिमम रिस्क ऑप्टिमल इन्वेस्टमेंट बस यही अपने की अपने को ध्यान में रखना है बॉस और कुछ नहीं है फिर अपना वो क्या था स्ट्रेटेजी प्लस फाइनेंस प्लस मैनेजमेंट जब ये तीनों को मिला दिया तो बन जाता है फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस ओके डन देन प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग में अपने को ध्यान में रखना है कि भाई जो फंड्स है दे आर बीइंग यूज्ड इन अ प्रॉपर मैनर सो फंड्स एलोकेशन इन प्रॉपर मैनर ओके okay, देन तीन मेरे पास पॉइंट्स ध्यान में रखना है एक क्लियर एंड रियलिस्टिक स्ट्रेटजी होना चाहिए मेरे पास फिर अगर मेरे पास स्ट्रेटजी है तो फाइनेंस जो है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना है तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट टीम शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग सो नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं क्लियर एंड रियलिस्टिक स्ट्रैटेजी ये इंस्टीट्यूट का वर्ड है इसके लिए अपन लोग इसको यही वर्ड के हिसाब से लिख रहे हैं राइट right? फिर फाइनेंशियल है एंड मैनेजमेंट टीम वर्ड है ये अगर अपन पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ये बहुत इजी है याद रखना पूछो कैसे इसमें आपको खाली अपने चैप्टर्स के नाम याद रखने है वैसे जैसे यहाँ पे अपन लोग बस ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी करना है ये देखो एक कैपिटल स्ट्रक्चर में, इंटर में एक चैप्टर था कैपिटल स्ट्रक्चर दूसरा था कॉस्ट ऑफ ऑफ कैपिटल या फाइनेंस फिर बाद एक एक वैल्यू वा, मैक्सिमाइजेशन देना है शेयर होल्डर्स को एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजन सो दिस इज सो फाइनेंस एंड स्ट्रैटेजी मिला के क्या क्या डिसीजन आपको लेना है मेन तो मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द शेयर होल्डर्स बार बार ये जगह आती ही रही है दूसराज एक्सपोजर एंड उसका रिस्क मैनेजमेंट डिविडेंट डिसनस रिलेटेडली मैनर एंड ऑपॉर्च्युनिटी कॉज फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजनो टेकन केयर ऑफ फिर आता है की डिसीजन फॉलिंग विद इन स्कोप ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी चार की डिसीजन है, dividend, देखो ये है ना एमसीक्यू के लिए आ सकता है मैं आपको बता रहा हूं ये देखो अपना अगर मॉड्यूल खोलते अपन की डिसीजन फॉलिंग विद इन द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी एज इट इज क्वेश्चन आएगा की डिसीजन फॉलो विद इन द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज चार फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड डिविडेंट डिसन

कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी पे ये वापस एक एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है क्या कि तीन तरह के कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज में डिवाइडेड है सुटेबिलिटी फिजिबिलिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी सी आई विल शो यू इन द मॉड्यूल एज वेल ये देखो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी इज डिवाइडेड इन टू थ्री पार्ट सुटेबिलिटी फिजिबिलिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी सो अगेन यस दिस कैन बी अ पार्ट ऑफ योर एमसीक्यू एज वेल सुटेबिलिटी करेक्ट सिलेक्शन ऑफ बिजनेस सो बिजनेस लीगल होना चाहिए इट शुड बी फ्यूचरिस्टिक ऐसा बिजनेस होना चाहिए जो इट इज सॉल्विंग अ प्रॉब्लम एंड इट इज गोइंग टू हेल्प अ पार्टिकुलर कंज्यूमर सो सुटेबिलिटी करेक्ट सिलेक्शन ऑफ बिजनेस दूसरा फिजेबिलिटी रिसोर्सिस है क्या आपके पास आज आप सोचोगे कि मैं एयरलाइन कंपनी स्टार्ट करता हूँ या फिर आप आज आप सोचोगे मैं कोई टेलीकॉम कंपनी स्टार्ट करता हूं इट इज नॉट फीजिबल फॉर पीपल लाइक यू एंड मी बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कैपिटल राइट तो फीजिबल होना चाहिए बिजनेस आपके लिए एंड एक्सेप्टेबिलिटी स्टेक होल्डर शुड बी सेटिस्फाइड विद द डिसीजन दैट वी आर टेकिन

टेक्निकल हेड है इंजीनियरिंग हेड है तो ये सब लोगों को अभी करने का काम करना है और इस तरह से स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट करनी है कि इट रिजल्ट्स इनटू अ ग्रोथ एंड प्रॉफिट बोथ सो सस्टेनेबल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज का मतलब होता है कि भाई आप ग्रो कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन को एट द सेम टाइम अपने को प्रॉफिटेबिलिटी भी मिल रहा है so, फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विस एग्जाम्पल में जैसे है जियो का सर्विस एक्चुअली काम करना है सो लेवल ऑफ ऑपरेटिंग डिविजन डिपार्टमेंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिपोर्ट रिसोर्सिस इन ऑल डिपार्टमेंट्स तो अब रिसर्च एंड डिपार्टमेंट ऑपरेशन मार्केटिंग फाइनेंस थ्रू विच बिजनेस यूनिट लेवल स्ट्रेटेजी कैन बी इंप्लीमेंटेड इफेक्टिवली एंड एफिशियंटली अब ये सारी जो चीजें आपने डिस्कस की है क्या वो एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हो रही है क्या वो डिपेंड करता है कि अपना फंक्शनल लेवल या जिसको अपन बोलते हैं लोअर लेवल कितना स्ट्रॉन्ग है नॉट इट गाइज सो दैट इज हाउ माय होल आंसर ऑफ स्ट्रैटेजी एट डिफरेंट हायर लेवल्स इज पूरा का पूरा वर्कअप स्ट्रेटेजी एट डिफरेंट हायर लेवल्स तीन टॉप लेवल स्ट्रेटेजी जिसको कॉर्पोरेट लेवल बोलते हैं मिड लेवल 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 जिसको जिसको बिजनेस यूनिट यूनिट बोलते बोलते हैं हैं एंड लास्ट है लोअर फंक्शनल फंक्शनल मतलब एक एक डिपार्टमेंट जो एक है वो ऑपरेशन डिपार्टमेंट आर एन टी डिपार्टमेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट ये सब फंक्शन है राइट तो इनका भी काम एफिशियंटली इफेक्टिवली होना चाहिए कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी में तीन चीजें क्या सुटेबल होना चाहिए एक्सेप्टेबल होना चाहिए फिजिबल होना चाहिए राइट वो हो गया उसके बाद में अपने को कॉम्पिटेटिव बिजनेस एडवांटेज वाले काम करने हैं ग्रोथ प्लस प्रॉफिट किस चीज के लिए प्रोडक्ट एंड देन वी आर फंक्शनल लेवल सर्विसी तो फंक्शनल लेवल पे वी हैव टू एंश्योर दैट आर एंड डी ऑपरेशन मार्केटिंग फाइनेंस इज बीन टेकन केयर ऑफ इफेक्टिवली एंड गॉट इट एफिशियटलीट सो दैट इज वॉट इज कॉल्ड एज एट डिफरेंट हायर लेवल्स अब ये सबके लिए कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग होना चाहिए सो दैट इज डिवाइडेड इन टू थ्री फाइनेंशियल प्लानिंग इज द बैकबोन ऑफ बिजनेस प्लानिंग एंड कॉर्पोरेट प्लानिंग इसमें तीन है फाइनेंशियल 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 रिसोर्सेज टूल्स एंड गोल्स तीन तरह के मेरे पास कॉम्पोनेट्स है फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए क्या फाइनेंशियल रिसोर्सेज है मेरे ऊपर के स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट करने के लिए क्या मेरे जो फाइनेंशियल uh, रिसोर्सिस को मैं यूज कर रहा हूं

बट जब तक इट इज नॉट बैड बाई फाइनेंशियल प्लानिंग आई विल नॉट बी एबल टू एक्सिक्यूट एनीथिंग एंड देर फर ये तीन चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल रिसोर्स होना चाहिए वो बराबर यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं उसको चेक करते रहो उसके लिए फाइनेंशियल टूल्स है एंड वेदर आई एम एबल टू रीच टू माय फाइनेंशियल गोल्स और नॉट इज टू बी चेक ऑनिन्यूअस बेसिस ये देखो अगर मैं आपको मैं मॉड्यूल में बताऊं तो इन दैट केस यहां पे थ्री मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज फाइनेंशियल टूल एंड फाइनेंशियल गोल्स एफ आर एफ टी एफ जी आर द बैकबोन हेलो दे आर द बैकबोन बैकबोन प्लानिंग एंड कॉर्पोरेट प्लानिंग बोला ना बस करके जाओ जितना मैं बता रहा हूं यूल थ्रू अब ये अगर बराबर किया तो इसका आउटकम क्या होगा ये इनपुट है ये बेसिकली फाइनेंशियल प्लानिंग एक इनपुट है जिसका आपको इट इज लाइक योर स्टडीज अभी आप लोग स्टडीज कर रहे हो ये आपका इनपुट है जिसका आपको आउटकम आउटपुट क्या मिलेगा एक अच्छा जॉब फाइनेंशियल सिक्योरिटी पेरेंट्स विल बी हैप्पी वैसे ही अगर आपने प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग किया एफ टी एफ आर एफ टी और एफ जी फाइनेंशियल रिसोर्सेज फाइनेंशियल टूल्स फाइनेंशियल गोल्स देन इन दैट केस द आउटपुट विल बी वेरी गुड एंड दैट इज दीज थ्री थिंग्स आई विल बी एबल टू रीच द फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन माई कॉर्पोरेट विजन एंड मिजन

जो इसके ऊपर फोकस नहीं करते हैं बट ओनली दो स्टार्टअप ऑन दिस आर एबल टू ग्रो लाइक द बेस्ट एग्जाम्पल और अ जोमैटो ये सब कंपनीज का मैंने जो सीईओज है उनके मैं इंटरव्यू सुनता हूं एंड दे फोकस ऑन बिग टाइम सस्टेनेबल ग्रोथ रेट नाउ व्हाट इज ग्रोथ सस्टेनेबल ग्रोथ रेट मैंने आपको पहले भी बताया था वापस से बताता हूं ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर के बॉस अपना टर्नओवर बढ़ते रहना चाहिए अच्छी बात है बट कुछ लोग काली ये टर्नओवर पे फोकस करते तो ना चल आपको साथ में दोनों चीज कंबाइन होती है ओनली बिजनेस विल बी प्रॉपरली सक्सेसफुल क्योंकि जितना अच्छा मेरा टर्न होगा उतना प्रॉफिटेबिलिटी का स्कोप है और जितना मेरा प्रॉफिटेबिलिटी होगा ना

और एक्सपेंशन से जो थोड़ा और प्रॉफिट आ रहा है उसको री इन्वेस्ट करके बाकी एक्सपेंशन करो शायद थोड़ा सा स्लो हो में, हो जाती है कितने दस में से आ, दिस इस इस। तो यहां पे सस्टेनेबल ग्रोथ यही बोलता है कि टर्नओवर बढ़ाओ प्रॉफिट बढ़ाओ प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करो अपनी बिजनेस में रादर देन टेकिंग एडिशनल डेट और इक्विटी कितनी अच्छी सोच है सो एस जी आर इज द मैक्सिमम रेट ऑफ ग्रोथ दैट अ कंपनी और सोशल एंटरप्राइज कैन सस्टेन विदाउट हैविंग टू फाइनेंस ग्रोथ विद एडिशनल इक्विटी और डेट जरूरत ही नहीं है मुझे बाहर के डेट का बाहर के पैसे का ठीक है सो रेट एट विच कंपनी कैन ग्रो यूजिंग इट्स इंटरनल रेवेन्यू विदाउट बोरोइंग फ्रॉम आउटसाइड रिसोर्सेज समझ गए सो दैट इज द एक्सप्लेनेशन दैट आई वॉज गिविंग यू आई होप लॉजिकल एक्सप्लेनेशन समझ गया अब इसको खाली इसको इधर प्रेजेंट करना है तो अपन कर पाएंगे तो सस्टेनेबल ग्रोथ रेट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो थ्योरी के लिए आ सकता है अब अपने को समझ गया है व्हाट इट इट कि भाई कितना अपन लोग ग्रो कर पा रहे विदाउट हैविंग टू टेक द एडिशनल इक्विटी और दैट एंड अपन अपने इंटरनल रेवेन्यू से ही कैसे यू नो विदाउट टेकिंग बोरोई वी आर एबल टू फाइनेंस द स्टफ सो दैट इज योर एस जी आर क्स्ट इज योर ऑर्गेनाइजेशनल सस्टेनेबिलिटी नेक्स्ट इज योर ऑर्गेनाइजेशनल सस्टेनेबिलिटी क्या मेरा ऑर्गेनाइजेशन सस्टेन कर पाएगा सो द आंसर इज येर इज राइट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सिस लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के ऊपर फोकस है देखो अगेन एम टेलिंग यू शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में अपन लोग बहुत सारा लोन ले, ले लेंगे एक्सपेंशन के लिए लॉन्ग टर्म इट विल क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम प्लानिंग ऑफ हेल्थी कॉर्पोरेट ग्रोथ वर्क लाइफ बैलेंस विदाउट न्यू इक्विटी जो पैसा है उसी को री इन्वेस्ट करो मेंटेन टारगेट डिविडेंट रेश डिविडेंड देना है डिस्कस किया है बस उसी को रिपीट कर करके लिखना है तो ये देखो अभी सस्टेनेबल ग्रोथ रेट आएगा ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबिलिटी आएगा तो सब मिला के अपने को एक लिखना है फोर टू फाइव मार्क का

so that's how the point is focus of SGR sustainable growth rate dekho sabse pehle SGR sustainable growth rate kya hota hai it is nothing but return on equity into आपके पास जो पैसा पड़ा है this is this ये one minus dividend payment ratio is nothing but retained earnings तो मेरे पास कितना मेरा earnings retained है बेटा into return on equity is called as sustainable growth rate ध्यान रखना मैं जो भी प्रॉफिट कमा रहा हूं आई हैव टू एंश्योर दैट आई एम एबल टू री इन्वेस्ट इट इन माई बिजनेस इन सच अ वे कि उससे मैं ज्यादा रिटर्न ला पाऊ एज कंपेयर टू द मार्केट ओनली देन द इक्विटी शेयर होल्डर विल इन्वेस्ट इन माई कंपनी सो अगेन सिमिलर पॉइंट मेंटेन टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर विदाउट इशूंग न्यू इक्विटी टारगेट डिविडेंड रेशियो रखना है सेल्स को इंक्रीज करना है जितना जल्दी हो सके हाउ टू बिकम फाइनेंशियली सस्टेनेबल तो ये भी देखो एक इंपॉर्टेंट uh, पॉइंट है

सो मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम मोर देन वन वे ऑफ जनरेटिंग इनकम रिटेन कॉम्पिटेंट स्टाफ गुड पब्लिक इमेज बी क्लियर अबाउट वैल्यूज एंड स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन राइट सो दर्स वो सेम स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन प्रॉपर होना चाहिए अट्रैक्ट मैनेज एंड रिटेन कॉम्पिटेंट स्टाफ आइडेंटिफाई प्रॉपर ऑपॉर्चुनिटीज फॉर वर्क एडिक्युएट एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इफेक्टिवनेस एंड गेट कम्युनिटी सपोर्ट एंड इन्वॉल्वमेंट इन दर्क सारी चीजों को ध्यान में रखेंगे कॉम्पिटेंट so, स्टाफ को अपने पास रिटेन करके रखना है गुड पब्लिक इमेज इन द मार्केट क्लियर वैल्यू सिस्टम स्ट्रैटेजी शुड बी क्लियर डायरेक्शन शुड बी क्लियर राइट

अब इंस्टीट्यूट में मॉड्यूल में कुछ कुछ जगह पे देखो मेन पॉइंट्स तो सब कवर हो ही गए मेरे कुछ कुछ जगह पे उन्होंने थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया है वो मैंने आप लोग को सिखाते सिखाते बता दिया है यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स इफ नीड बी एमसीक्यूज में क्या क्या आ सकता है वो भी मैंने तुम लोग को बता दिया देखो इधर मार्क भी कर देता हूँ चाहिए तो ये जैसे आ सकता है एमसीक्यू में फुल चांस है सर सूटेबिलिटी फीजिबिलिटी एक्सेप्टेबिलिटी राइट फाइनेंशियल आउटपुट फाइनेंशियल प्लानिंग आ सकता है एफ आर एफ टी एफ जी फाइनेंशियल रिसोर्सेज फाइनेंशियल टूल्स फाइनेंशियल गोल्स

उसके पहले ही दो तीन बार सुन लो समझ लो एंड okay? चैप्टर्स so, भी इंडिविजुअली मैं करवा दूंगा एंड सॉर्टेड एनीथिंग एल्स लेट मी नो इन कमेंट्स डू शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब टेक केयर एंड मिलते हैं अगले सेशन में